क्योंकि पिछले दिन आनंदपुर साहब तख्त साहब से भी जी बेअदबी आई सी होर भी साढ़े गुरु घर पावन सरूप भी जो चोरी आ हो चुके आ। सो बेअदबिया का दौर 6 साल तो लगातार चल रहा है, बेअदबिया बंद नहीं हो रही, पर यह जी असलीत कौम के सामने आनी चाहिए है कि यह बंदे किन्ने भेजा सी अगह तो भी जो बेअदबी करना आएगा वह इसे तरह टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। दास रणजीत सिंह विद्यार्थी दमदमी टकसाल मुख सेवादार सिख यूथ फैडरेशन पिंडरावाला तो अज किसे पापी ने किसे दुष्ट ने साडे धर्म के उत्ते हमला किया, श्री दरबार साहब के अंदर वड़ के उन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करनी चाहिए, पर मौके के उत्ते संगत ने काबू कर लिया तो इतने श्रोमणी कमेटी के दफ्तर के इन्नी कुटमार हुई कि अज मैनेजर के दसने अनुसार मैनेजर गुरिंदर सिंह मथरेवाल उन्होंने दसने अनुसार वो जो बंदा आ वह मर चुका आ, तो संगत ने इस फैसले में जी प्रवानगी आती आ क्योंकि जे यही बंदा पुलिस के हवाले कर दिता जाता तो पुलिस ने थोड़े दिन बाद मानसिक रोगी कह के उन्होंने छड़ देना सी, पर संगत की यह मंग सी कि यह बंदे दे दुष्ट के टुकड़े टुकड़े करके श्री अकाल तख्त साहब के बागवान श्रोमणी कमेटी दसेगी, पर वो कोई जिहड़ा बाहरी बंदा सी कोई मोना बंदा सी भैया लग रहा है, हाले यह नहीं पता लगा कि उन्हें किन्ने भेजिया किस काम वास्ते भेजिया सी किन्ने उन्हें पैसे दिते गए। देखो ये श्रोमणी कमेटी दसेगी क्योंकि पहला बंदा उन्होंने हवाले रहा है, उन्होंने कुटमार करके बकाया होगा पुलिस के अंदर, जिहड़ा हरपाल सिंह सी ADCP वह भी अंदर सी, पर मैनेजर के दसन अनुसार जो बंदा है वह मर चुका है, संगत की यह मंग सी कि वह टुकड़े टुकड़े करके तो दरबार साहब के बाहर प्रदर्शनी लाई जाए, पता लगे कौम को कि साडे धर्म उत्ते किसी ने हमला किया सी ते सिंघां ने 18वीं सदी वाली जी सजा आ वह उन्होंने दी है। बाबा जी सोखो पहला भी सामने अंदर आ 5-6 साल तो लगातार बेअदबियां हो रही सी, और बरकारी कांड वाले जिन्हें भी पापी आ वह भी सारे जेलों तो बाहर उन्होंने जमानत हो चुकी आ, जिमें वह महेंद्रपाल बिट्टू नूं सिंघां ने जेल दे विच सजा दित्ती सी, अज इसे तरह श्रोमणी कमेटी के दफ्तर में यह बंदे नूं जिहड़ी सजा आ वह दित्ती गई आ। सो जिन्ना चिर तक खालसा ही रवायतां